अगले पिछले वीडियो में तो हमने पढ़ लिया था संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर ना, अब दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट जो कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसदीय शासन प्रणाली के बारे में लिखो, मतलब संसदीय शासन प्रणाली के बारे में लिखो। संसदीय शासन प्रणाली तो मैंने उसमें भी बता दिया था, पर मैं आपको फिर दोबारा पढ़ लेते हैं जरा। संसदीय शासन प्रणाली दे इस अवस्था में सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ठीक है, ये हमें पता है सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता है। यह इस दल का नेता होता है जिसमें विधायिका में बहुमत प्राप्त होता हो। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है भारत में? संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है। यह राष्ट्रपति भी होते हैं, इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं जो नामकृत के लिए राष्ट्रपति होते हैं। किसके लिए होते हैं? नामकृत के लिए राष्ट्रपति किया जाता है, मतलब कौन से के लिए होते हैं? नामकृत के लिए सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं, उसे ही हम मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं नामकृत के लिए होते हैं, बाकी सब तो काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और ये कौन कौन से मतलब कौन कौन से देश में आते हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आता है आपके, एक तो होता है भारत में आता है, भारत में आ जाता है, ब्रिटेन में और जापान में और जर्मनी आदि देशों में यह उपलब्ध है। मतलब कि भारत, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी आदि, ये सब चार देश है जो कि अभी लिखे हुए हैं, और भी देश है जिसमें यह उपलब्ध है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है हमारा, ये रहा दूसरा प्रश्न, सेकेंड प्रश्न है, सेकेंड प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? इसमें 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 राष्ट्रपति ये प्रमुख होता है, मतलब इसमें कौन सा प्रमुख होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है। यह राज्य तथा सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, मतलब ये राज्य तथा सरकार का ना दोनों का ही प्रधान होता है। इसमें राष्ट्रपति ताकतवर है, मतलब ताकतवर होता है, मतलब क्या जो हमारा अध्यक्ष मतलब अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो सबसे ताकतवर होता है कौन होता है? राष्ट्रपति हमारा सबसे ताकतवर होता है। ठीक है, इसमें सबसे शक्तिशाली मान सकते हैं राष्ट्रपति होता है। इसमें जो भी मंजूरी देने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। आमतौर पर इसका चुनाव मतलब इसके आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा इसका चुनाव होता है, मतलब किसके द्वारा चुनाव होता है? आप प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मतलब ये अध्यक्षात्मक प्रणाली किसके द्वारा चुनी जाती है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनाव किया जाता है। और ये कौन कौन से देशों में, ये जरा जान लेते हैं। ये हमारा है, एक तो अमेरिका में है, अमेरिका, ब्राज़ील अमेरिका है, एक है अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका आदि। मतलब ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे तो, इंपॉर्टेंट ही लग रहा है कि कौन से देश में अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाती है। अमेरिका और ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका में पाई जाती है अध्यक्षात्मक प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, और चौथा तो आप तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, दूसरा हो गया, तीसरे पे पढ़ते हैं थोड़ा। अब इसमें अर्थ, ये मैंने नेक्स्ट पार्ट में तो हमने पढ़ा ही था ये वाली प्रणाली हमने पढ़ी थी। आज इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें हमारा एक राष्ट्रपति भी होता है और एक प्रधानमंत्री, दोनों ही होता है इसमें भी, इसमें दोनों का ही काम होता है। ठीक है, और दोनों ही काम है, परंतु इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्य के लिए संपादन मतलब दैनिक कार्य करने के लिए जो भी संपादन होता है ना, संपादन के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान होती है। इसमें कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी के
हो सकते हैं, लेकिन अगर वे अलग अलग पार्टियों के हुए तो उसके बीच में विवाद तो ये कन्फर्म ही होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के होंगे तो विवाद होगा। जैसे कि एक फ्रांस है, एक रूस है और एक श्रीलंका है, ठीक है। ये तीन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि देश के नाम लिखे हुए हैं। देश के नाम तो जरूर याद करने, ये मैं और उसका ये चैप्टर है, ठीक है। और ये हम इसके बारे में, अरे सॉरी सॉरी, किस पे आ गया, रुको रुको रुको, अरे ये रहा ना हमारा, ये रहा, और ये रहा भारत का राष्ट्रमंडल, मतलब जो राष्ट्रपति है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, राष्ट्रपति के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट उनके कार्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के कितने दिन टिका जाता है, क्या चुनाव होते हैं, क्या नहीं, इन सब के बारे में पढ़ें। देख राष्ट्रपति भारत का क्या, भारत के संविधान के अनुसार संघ, संघ का मतलब मैंने पहले ही उस वीडियो में बता रखा है, संघ का मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियंत्रित होती है, मतलब केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास नियंत्रित होती है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, मतलब राष्ट्रपति है वो भारत का क्या कहलाता है, प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पाँच वर्ष मतलब इनका चुनाव कब होता है, 5 वर्ष के बाद इनका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। और सीधा जनता द्वारा नहीं होता इनका चुनाव, मतलब जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और विधायिका और शासन द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी जनता द्वारा चुने गए जो नेता होता होते हैं, विधायिका होती है, उनके द्वारा चुनी गई चुना जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। और ये कौन सी प्रणाली द्वारा चुनी जाती है, मतलब किस चल चुनी जाती है, तो इस प्रणाली द्वारा जो है समानुपातिक प्रतिद्वंदी प्रणाली द्वारा चुनी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इनका एज क्या होता है, मैक्सिमम एज बनने के लिए प्रधान, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एज होता है, 35 होना चाहिए, 35 से ऊपर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, और इससे भी कम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास, इससे ज़्यादा हो जाए तो ठीक है, पर कम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी कानून, विधायी तथा आपातकालीन शक्तियाँ होती है। हाँ, ये तो आपातकालीन शक्तियाँ होती है, पर इसको पूछ के इस्तेमाल किया जा सकता है। और संसदीय अवस्था में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, मतलब जो भी इनकी शक्तियों का प्रयोग है किसके सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है, किसकी सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुपद दल के नेता होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुपद दल के नेता होते हैं, ये तो हमें पता है। इसमें से अधिकांश राष्ट्रपति को उनकी बात माननी पड़ती है, मतलब जितने भी दल में होते हैं ना उनको ज़्यादा करके ना राष्ट्रपति की ना बात माननी ही पड़ती है, राष्ट्रपति कुछ भी कहें उनकी बात माननी पड़ती है। और जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ लिया ना, समझ लो आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरा समझ में आया, तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है, देखो, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे, मतलब वो जो भी, अगर मान लो राष्ट्रपति को जो परिपत की जो भी सलाह है ना उसे लौटा सकता है, अगर उसमें कोई गलती उलती दिखे तो उसे लौटा के उस पर पुनर्विचार करने के लिए वो दे सकता है उसे, ठीक है। और इसमें यही बताया गया, दूसरे में बहुत ईजी है, पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, बिल्कुल बहुत ईजी। और ये दूसरा है हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है, वीटो पावर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के पास कौन सी पावर होती है, वीटो पावर, ये ठीक है, होती है, जिससे वह संसद द्वारा पास विधेयक पर स्वीकृति देने के देर कर सकता है तथा स्वीकृति प्रदान करने से मना कर सकता है। अगर सरकार को राष्ट्रपति ने विधेयक लौटा दिया और उस पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा जाता है, इस पर देखो, ये इसमें भी यही चेता है, पूर्ण विचार करने के लिए उन्हें कहा जाता है, लेकिन वीटो की यह ताकत सीमित रहती है, मतलब जो भी प्रधानमंत्री की जो ताकत है वीटो के नाम की वापस करने की, सीमित रहती है, क्योंकि दोबारा आए विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती है। मतलब जो भी अगर एक बार भेजा उसको रिजेक्ट कर दिया, अगर दोबारा वो भेजता है ना तो उसे किसी भी तरह उनसे मंजूरी देनी पड़ती है। नोट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट में देखो, नोट में समझ लो, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए
ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है जिससे भीतर इस विध्यक्ष की पूर्ण विचार के लिए लौटाना पड़े। इसमें राष्ट्रपति विध्यक्ष को लविजित कर सकता है। इसे पॉकेट वीडो कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉकेट वीडो हर साल पूछा जाता है, हर साल मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉकेट वीडो। और तीसरा है, तीसरा पढ़ते हैं ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में और भी है और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में बना दूँगा। छोटे छोटे में ना सही आता है यार पढ़ने में। राष्ट्रपति बहुपद वाले दल दल के नेताओं में से एक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी को बहुपद प्रणाली ना हो या गवर्नर